सर्व निमंत्रितांना आणि पदविकांक्षींना नम्र विनंती करण्यात येते आहे की दीक्षांत मिरवणुकीचे सभा मंडपाच्या द्वाराशी आगमन होताच उभे राहावे. तसेच सन्माननीय कुलपती, प्रतिकुलपती, प्रमुख अतिथी, कुलगुरु आणि मिरवणुकीतील सन्माननीय सभासद यांनी आपली आसने ग्रहण करेपर्यंत कृपया सर्वांनी आपल्या जागेवर उभे राहावे. माननीय राज्यपाल महोदय ऑनलाईन आपल्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले आहेत, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो आहोत. मिरवणूक दीक्षांत सभागृहाकडे येत आहे, कृपया सर्वांनी उभे राहून स्वागत करावे. Thank you.
सर्व उपस्थितांना विनंती करण्यात येते आहे की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे. सर्व सभाजन राष्ट्रगीताकरता उभे राहतील. भारत भाग्य विधाता सिंध गुजरात मराठा मंगल हिंद हिमाचल यमुना गंगा कुशल जल वितरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गावे तब जय गाथा मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे सर्वांना विनंती की त्यांनी आपले स्थान ग्रहण करावे. कुलसचिव सन्माननीय कुलपतींना दीक्षांत समारंभ प्रारंभ होत असल्याचे घोषित करावे अशी विनंती करतील. सन्मान्य कुलपती महोदय, दीक्षांत समारंभ प्रारंभ होत असल्याचे आपण घोषित करावे ही विनंती. दीक्षांत समारंभ प्रारंभ झाल्याचे मी घोषित करतो. विद्यापीठाच्या 35व्या दीक्षांत समारंभाची कार्यवाही विद्यापीठ गीताने होऊन त्यानंतर सरस्वती वंदन गायले जाईल. सुंदर आकाश क्या सुंदर भारत दे भारतास ही भूषण रम्य विदर बगले सुंदर आकाश हे सुंदर आकाश क्या सुंदर भारत दे सही भूषण रम्य विदर बगले श्री सुंदर इसे खुशी विद्यापीठा से सुंदर आ
सरस्वती वंदन संगीत जन्माए नवी
विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू प्रास्ताविक भाषण व विद्यापीठाचा अहवाल वाचन करतील. सर्वांना नमस्कार. विद्यापीठाच्या 35व्या दीक्षांत समारंभाच्या शुभप्रसंगी सर्वप्रथम मी आदरणीय डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांना पवन स्मृती विनम्र अभिवादन करतो. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय राज्यपाल महोदय तथा विद्यापीठाचे कुलपती तसेच आजच्या कार्यक्रमांचे अध्यक्ष माननीय श्री भगतसिंग कोश्यारी सर आपलं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. विद्यापीठाचे प्रतिकुलपती व आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे लाडके कृषीमंत्री माननीय आमदार श्री दादाजी भुसे सर सर आपलं सुद्धा मी मनापासून स्वागत करतो. तसेच आजच्या या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थितीत असलेले ICAR डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब डेप्युटी डायरेक्टर एज्युकेशन तसेच डायरेक्टर नाहेब सर आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया. आप यहाँ उपस्थित है सर आपका सही दिल से मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले महाराष्ट्र पशुविज्ञान नागपूर इथले कुलगुरू डॉक्टर आशिष पातुरकर सर आपला सुद्धा या ठिकाणी स्वागत. आभासी पद्धतीनं डॉक्टर धवनसाहेब उपस्थित आहेत तसेच माजी कुलगुरू डॉक्टर मायंदेसाहेब डॉक्टर मदानसाहेब हे सुद्धा आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत सर आपलं सुद्धा मी या ठिकाणी स्वागत करतो. या विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषद सन्माननीय सदस्य माजी कुलगुरू विद्यापीठ अभ्यास मंडळांचे सदस्य उपस्थित पदविकांक्षी प्राध्यापक वंद्र शेतकरी बंधू पत्रकार व वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी बंधू भगिनींनो तथा इतर गणमान्य नागरिक यांचे देखील मी या प्रसंगी स्वागत करतो. महोदय विद्यापीठाचा आजचा दीक्षांत समारंभ हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा असून आम्हा सर्वांसाठी स्वयंमूल्यांकनाची ही एक संधी व भविष्यातील आशा आकांक्षाचे एक स्वप्न आहे. शिक्षण संशोधन व विस्तार शिक्षण या त्रिसूत्रीवर या विद्यापीठाची स्थापना 20 ऑक्टोबर 1969 रोजी झाली. सर विदर्भातील 11 जिल्ह्यामध्ये विद्यापीठ शासन कार्यक्षेत्र विस्तार दिले आहेत. या विद्यापीठात 10 घटक 2 संलग्न आणि 26 कायम विनाअनुदानित खाजगी महाविद्यालयामार्फत 3661 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो ज्यामध्ये 3195 पदवी 410 पदव्युत्तर आणि 56 आचार्य पदवींचा समावेश आहे. या अभ्यासक्रमामध्ये इतर राज्यातून सुद्धा विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. त्या व्यतिरिक्त इतर राष्ट्रातून इतर देशातून सुद्धा आपल्या विद्यापीठामध्ये जवळपास 21 विद्यार्थ्यांनी पदवी प्राप्त केली आहे. त्यामध्ये व्हिएतनाम इजिप्त नेपाळ उझबेकिस्तान अफगाणिस्तान नायजेरिया भूतान या देशातून विद्यार्थ्यांनी या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला आहे. विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून आज पावेतो 51,549 विद्यार्थ्यांनी पदवी प्रदान करण्यात आलेली आहे ज्यामध्ये 40,938 पदवीधर आहेत 9,874 पदव्युत्तर आणि 737 आचार पदवीधरांचा समावेश आहे. सर या आजच्या 35व्या दीक्षांत समारंभामध्ये 3,055 पदवीधारक 277 पदव्युत्तर आणि 27 आचार पदवी प्रदान करण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच गुणवंत विद्यार्थी व कर्मचारी असे 47 पदके व 27 रोख पारितोषिक देऊन त्यांना गौरवण्यात येणार आहेत. सर या विद्यापीठाचे शिक्षणामध्ये विद्यापीठांनी आमच्या विद्यार्थ्यांनी भरीव असं योगदान दिलेलं आहे. सर राष्ट्रीय सेवा अंतर्गत आमचं विद्यार्थी कुणाल वानखेडे बेस्ट NSS व्हॉल्युंटियर महाराष्ट्रामधून त्याला पहिले पारितोषिक मिळाले आहेत. राष्ट्रीय छात्र सेना NCC यामध्ये सर आपल्या विद्यापीठाचा दबदबा महाराष्ट्रभर आहेत. अमरावती येथील बटालियनमध्ये आपले विद्यार्थी नेहमीच अग्रेसर असतात. वेगवेगळ्या स्पर्धामध्ये त्यांनी पारितोषिक मिळालेले आहेत. असे काही नामवंत विद्यार्थ्यांचा मी या ठिकाणी उल्लेख करणं मला मी माझं कर्तव्य समजतो.
यामध्ये आमच्या प्राध्यापिका उज्ज्वला शिरसाट यांना 2 सुवर्ण पदक मिळालेले आहेत. गोपाळ शेट्टे, कॅडेट किरण जाधव, रोहित सोनावणे, श्वेता अकर्ते, संध्या सावंत, रोहित लवांगे या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर NCC मध्ये प्रावीण्यासह गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे. तसेच सर एक विद्यापीठामध्ये आकाश धनमाळे व प्रगती काळे हे विद्यार्थी अनुक्रमे भारतीय नौसेना तसेच पोलीस दलामध्ये नुकतेच रुजू झालेले आहेत. महोदय, या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या दर्जेदार कामगिरीच्या जोरावर या विद्यापीठाचा नावलौकिक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण केलेला आहे. सर, यावर्षी 3 विद्यार्थ्यांना सिनियर रिसर्च फेलोशिप आणि 32 विद्यार्थ्यांना ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप अवॉर्ड झाली. ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे विद्यापीठाकरता आणि इतर विद्यापीठामध्ये ते पदवी आणि PhD करता कार्यरत आहेत. सर, मला सांगताना अभिमान वाटतो की ब्राझील येथील साओ पावलो या विद्यापीठ शास्त्रज्ञ अविनाश शिंगळे हे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये रामानुजम फेलो अत्यंत महत्वाची फेलोशिप आहेत. या फेलोशिप करता आपल्या इथे नॅनो टेक्नॉलॉजीमध्ये या विद्यापीठ काम करत आहेत. त्याकरता त्याला 119 लाख रुपयांचं निधी सुद्धा उपलब्ध झालेला आहे. सर, बोंडअळीच्या नियंत्रणाकरता माननीय कृषी मंत्री सर आपण या विद्यापीठाने फार मोठं योगदान दिलेलं आहे आणि त्यामुळे मागच्या वर्षी सर समृद्धी महिंद्रा समृद्धी अवॉर्ड आपल्या या विद्यापीठाला राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेला आहे. सर, आमच्या विद्यार्थ्यासोबत आमचे प्राध्यापक सुद्धा वेगवेगळ्या स्तरावर सेमिनार असो शास्त्रज्ञ हे म्हणजे वेगवेगळ्या परिषदेला आपले पेपर सादर करतात आणि त्यांना सुद्धा पारितोषिक मिळाले आहेत. काही नामवंत प्राध्यापक या ठिकाणी उल्लेख करतो, त्यामध्ये डॉक्टर आर आर शेळके, डॉक्टर SK बलकारे, डॉक्टर SS हाडोळे, डॉक्टर शांती पाटील, डॉक्टर रचना थोरात, डॉक्टर PV शेंडे. सर, आज पावेतो या संशोधनामध्ये विद्यापीठाने 175 विविध पिकांचे वाहन तसेच 1441 तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या सेवेकरता विकसित केले आहेत. सर, कापसामध्ये सुवर्ण शुभ्रा JK सोबत BT आणि आपली पिके 468 महाबी सोबत आम्ही BT वाहन शेतकऱ्या सेवेकरता दिलेले आहेत. सर, सोयाबीन महत्वाचं पीक आहे आपल्या विदर्भामध्ये आणि यामध्ये सुद्धा आम्ही मागच्या वर्षी आंबा ही सोयाबीनचे वाहन अत्यंत सर लाभदायक आहे शेतकऱ्यांकरता. सुवर्ण सोया हे दोन वाहन आज मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी लावलेत. सर, त्याचे उत्पादन सुद्धा चांगले आलेले आहे. भुईमुगाचे TAG 73 हे वाहन सुद्धा 4 राष्ट्रांमध्ये प्रचलित झालेलं आहे. त्याचा सुद्धा उत्पादन क्षमता चांगली आहे. सर, भारतामध्ये रेड राईस आणि चवळीचे पिके ऋतुजा हे दोन सुद्धा आपण नॅशनल लेवलला या विद्यापीठात रिलीज केलेले आहेत. फक्त मोजक्याच वेळ अभावी फक्त मोजक्या संशोधनाचा या ठिकाणी मी नामोल्लेख करत आहेत. सर, महत्वाचं म्हणजे हरित ऊर्जा चालना देण्याकरता आपल्या विद्यापीठाने महाऊर्जा यांच्या सहकार्याने 290 kV आणि 400 kV क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केलेले आहेत. त्यामुळे सर आज विद्यापीठामध्ये जवळपास दरवर्षी 45 लाख रुपयांची बचत विद्युतची बचत ही होणार आहे. यासोबतच सर विद्यापीठाने हरित क्षेत्र म्हणून 1200 हेक्टरवर वृक्षारोपण करून विद्यापीठाने एक नावलौकिक मिळवलेला आहे. सर, यामध्ये अजून एक महत्वाचं या ठिकाणी मी नमूद करू इच्छितो की अत्यंत महत्वाचं IT क्षेत्र कृषी क्षेत्रात समावेश झालेलं आहे आणि त्यांनी आपल्याला सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर IT इन ॲग्रिकल्चर याकरता 11 कोटीचा प्रकल्प केंद्र शासनानं या विद्यापीठाला मंजूर केलेला आहे. तो कार्यान्वित सुद्धा झालेला आहे. सर, यासोबतच सर भारतीय कृषी नवी दिल्ली यांनी जवळच्या पिकाकरता सुद्धा 100 लक्ष याचं अनुदान आपल्याला देऊ केलेलं आहे. त्यामुळे संशोधनामध्ये एक चालना मिळत आहेत. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत विद्यापीठात विकसित तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचण्याकरता 179 लाख एवढ्या रकमेचे 3 प्रकल्प सुद्धा शासनाने मंजूर केलेले आहेत. सर, जागतिक स्तरावर विद्यापीठ शैक्षणिक आणि संशोधन वाटचाली सहभागी होण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाद्वारे जवळपास 94 राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जपान, स्वित्झर्लंड, नेदरलँड, हंगेरी या संस्थेचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात येतो. सर, कृषी विस्तार शिक्षणामध्ये माननीय कृषी मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही अहोरात्र आमचे शास्त्रज्ञ काम करत आहोत. सर, यामध्ये शिवार फेरी, मान्सूनपूर्व कृषी मेळावा, महिला सक्षमीकरण, दूरसंचार माध्यम तसेच रिलायन्स फाउंडेशन मुंबई यांच्या माध्यमातून सर 4 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आम्ही त्यांच्या अडचणी समजून त्यांना विद्यापीठ मार्गदर्शन करत असते. सर, COVID-19 साथीचा मुकाबला करताना ज्या लोकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्या सर्वांना विद्यापीठ श्रद्धांजली अर्पण करतो. सामाजिक दायित्वाची जाण ठेवून या विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी 25 लाख एवढी रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा केली आहे. सर,
याच उद्यात हेतूने विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा 2 दिवसाचे वेतन देऊन 46 लाख रुपये महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतरित केले आहेत. सर, यानंतर माझ्या विद्यार्थी बांधवांना एक संदेश या ठिकाणी मी देऊ इच्छितो. माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, दीक्षांत समारंभ हा प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. नुकतेच तुम्हाला देण्यात आलेले पदवी प्रमाणपत्र तुमच्या शैक्षणिक प्राप्तीचे प्रतीक आहे, परंतु निश्चितपणे हा आपल्या शिकण्याचा प्रक्रियेचा शेवट नाही. आपण ज्या विश्वात राहतो तेच एक उत्तम विद्यापीठ आहे, जिथे आपल्याला सतत शिकत राहावे लागते. माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो, अभ्यासातून मिळालेल्या ज्ञानाने तुमच्यामध्ये सभ्यता नम्रता आली पाहिजे. ज्ञानाने तुम्ही तुमच्या मनातील भय दूर करून स्वतःमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक यशस्वी व्यक्तीचा निर्भयता हा प्रथम गुण आहे आणि तो सांधिक भावना जागृत करतो. आजच्या या शुभप्रसंगी प्रतिष्ठित पदवी आणि उत्कृष्टतेचे पारितोषिक मिळणारा प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं मी पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन करतो. ज्यांना आज बक्षिसे मिळत आहेत त्यांना आणि विद्यापीठातील विद्वान प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक निष्ठा टिकून ठेवण्यासाठी मी शुभेच्छा देतो. या क्षणी महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल आणि विद्यापीठ कुलपती यांनी आम्हाला कॉन्व्होकेशन घेण्याकरता परमिशन दिली, त्याबद्दल मी त्यांचा धन्यवाद देतो. त्याचप्रमाणे आमचे माननीय प्रतिकुलपती महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री माननीय दादाजी भुसे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर, आपलं सुद्धा मी मनाने आपलं स्वागत करतो आणि धन्यवाद देतो. विद्यापीठाच्या विकासात आपण सक्रिय सहकार्य दिलं सर, त्याबद्दल मी विद्यापीठातर्फे आपले अत्यंत आभारी ऋणी आहेत. दीक्षांत समारंभामध्ये प्रमुख पाहुणे आशिष पातुरकर साहेब, आरश अग्रवाल साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो. कार्यकारी परिषद सदस्य, शैक्षणिक परिषद, अभ्यास मंडळ, प्राध्यापक, विद्यापीठाच्या परिषदेसाठी सातत्याने मिळणाऱ्या त्यांच्या सहकार्याबद्दल मी आभारी आहे माध्यमांचा. मला खात्री आहे की या सर्वांचे सहकार्य सोबतच महाराष्ट्र शासन आणि भारतीय कृषी अनुदान परिषद नवी दिल्ली यांच्या पाठिंब्यामुळे हे विद्यापीठ आपल्या कार्यात यशाचे शिखर गाठेल व राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचे नावलौकिक निर्माण करेल असे मला ठाम विश्वास आहे. आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माननीय कुलपती महोदय, पदवीकांक्षींना पदव्या प्रदान करण्याबाबत अनुज्ञा द्यावी अशी कार्यकारी परिषदेला विनंती करतील. पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवीस पात्र ठरलेल्या व प्रस्तुत 35व्या दीक्षांत समारंभात पदवी घेण्याची इच्छा असणाऱ्या पदवीकांक्षींना या विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने पदवी प्रदान करण्याची अनुज्ञा द्यावी अशी मी विनंती करतो. पदवीसाठी विहित केलेल्या अभ्यासक्रम यशस्वी पूर्ण केलेल्या व विविध विद्याशाखेचे अधिष्ठाताद्वारे सादर करण्यात येत असलेल्या पदवीकांक्षींना सन्माननीय कुलपती पदवीचा अनुग्रह करतील. या विद्यापीठाच्या कुलपती या पदान्वये विधिवत प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाताद्वारे क्रमशः सादर करण्यात येत असलेल्या पदवीकांक्षींना पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करीत आहे आणि त्या त्या पदव्या प्रदान करीत आहे, तसेच विद्यावस्त्रे परिधान करण्याची अनुज्ञा देत आहे. पदव्युत्तर विद्याशाखेचे अधिष्ठाता हे क्रमशः डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी या पदवीकांक्षींना अनुग्रहासाठी सादर करतील. सन्माननीय कुलपती महोदय, पदव्युत्तर विद्याशाखेतील डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी या पदवीकरिता उचित योग्यता प्राप्त पदवीकांक्षी आपणासमोर पदवीच्या अनुग्रहासाठी क्रमशः सादर करण्याची अनुज्ञा असावी. पदवी पुरस्कारांचा आपण अनुग्रह करावा ही प्रार्थना. डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पदवीकांक्षी त्यांचे नाव घोषित होताच पदवी अनुग्रहासाठी व्यक्तिशः सादर होतील. नेवारे मीनाक्षी रामूजी.
जाधव राहुल जानू सिंह होरने गोपाल वामन राव मड़ावी पंकज नागराज ठाकरे रितेश अशोकराव लाड रंजीत शिवाजी छोड़गे सुशील ज्ञानेश्वर ईसाड राजाभाव लक्ष्मण गोदावरी साहेबराव गायकवाड़ हिवाळे सुमेध देवीदास लोनागरे स्वाती गजानन प्रीती अरविंद सोनकांबळे ठाकरे वृंदा श्रीहरी बोरकर अर्चना नारायण हिंगने प्रियंका गजानन लोखंडे सुषमा बंसी बोंद्रे संदीप विनायक पवार आशुतोष प्रकाश देशमुख स्वप्निल ज्ञानेश्वर निकम चंचल घनश्याम
ठीक है एक मिनट, ये जस्ट अ मिनट प्लीज एक्सक्यूज मी। कन्वोकेशन सेरेमनी इज म्यूटेड सो अनम्यूट युअर सेल्फ। या पदव्यांकरिता उचित योग्यता प्राप्त पदवीकांक्षी आपणासमोर त्या त्या पदवीच्या अनुग्रहासाठी क्रमशः सादर करण्याची अनुज्ञा असावी। पदवी पुरस्कारांचा आपण अनुग्रह करावा ही प्रार्थना। कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेचे अधिष्ठाता हे बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग पदवीकांक्षींना अनुग्रहासाठी सादर करतील। सन्माननीय कुलपती महोदय, कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग या पदवीकरिता उचित योग्यता प्राप्त पदवीकांक्षी आपणासमोर पदवी अनुग्रहासाठी सादर करण्याची अनुज्ञा असावी। पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा ही प्रार्थना। कुलसचिव, सन्माननीय कुलपती यांना जे पदवीकांक्षी उचित योग्यता प्राप्त असूनही या पदवीदान समारंभास उपस्थित राहू शकले नाहीत त्यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत पदवी पुरस्कारांचा अनुग्रह करावा अशी विनंती करतील। सन्माननीय कुलपती महोदय, या विद्यापीठाच्या पदवीस पात्र ठरलेल्या परंतु या पदवीदान समारंभास उपस्थित राहू न शकलेल्या पदवीकांक्षींना ते ज्या पदवीस पात्र ठरलेले आहेत त्या पदवी पुरस्काराचा आपण अनुग्रह करावा ही विनंती। सर्व पदवीकांक्षी पदवी पुरस्कार प्रदान होईपर्यंत आपल्या जागेवर उभे राहतील। विद्यापीठाच्या कुलपती या पदान्वये विधिवत प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी आपणास क्रमशः डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी, मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर, मास्टर ऑफ सायन्स हॉर्टिकल्चर, मास्टर ऑफ सायन्स फॉरेस्ट्री, मास्टर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चरल बायोटेक्नॉलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग, मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲग्रिकल्चर, बॅचलर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चर, बॅचलर ऑफ सायन्स हॉर्टिकल्चर, बॅचलर ऑफ सायन्स फॉरेस्ट्री, बॅचलर ऑफ सायन्स ॲग्रिकल्चरल बायोटेक्नॉलॉजी, बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲग्रिकल्चर, बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी फूड टेक्नॉलॉजी आणि बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग या पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करून पदवी प्रदान करीत आहे आणि विद्यापीठाच्या पदवीस पात्र असलेल्या परंतु या पदवीदान समारंभास उपस्थित राहू न शकलेल्या पदवीकांक्षींना ते ज्या पदवीस पात्र असतील ती पदवी त्यांच्या अनुपस्थित प्रदान करतो। अधिष्ठाता, पदव्युत्तर विद्याशाखा हे सन 2019-20 या वर्षातील निरनिराळी पदके व पारितोषिके प्राप्त केलेल्या त्यांच्या विद्याशाखेतील पदवीधारकांना पाचारण करतील। सन्माननीय कुलपती महोदय,
पदव्युत्तर विद्याशाखेतील अभ्यासक्रमात वेगवेगळ्या विषयात प्रवीण प्राप्त केल्याबद्दल पदके व पारितोषिके मिळविलेल्या पदवीधरांना सादर करीत आहे. त्यांना पदके व पारितोषिके देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना. डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी ऍग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत 6 सत्रामध्ये कृषी विद्या या विषयात सर्वाधिक मूल्यांकन प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल माजी कुलगुरू डॉक्टर बरवंत गोविंदराव बत्तल सुवर्ण पदक, श्री ठाकरे स्वप्नील सुभाषराव मास्टर ऑफ सायन्स ऍग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत कीटकशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जन्मशताब्दी सुवर्ण पदक, नॅशनल सेमिनार ऑन पेस्ट मॅनेजमेंट सुवर्ण पदक, युनायटेड फॉस्फोरस लिमिटेड सुवर्ण पदक, स्वर्गवासी प्रोफेसर एम जी हरदास स्मृत पदक, डॉक्टर विश्वनाथ मेहरे स्वर्ण पदक, स्वर्गवासी डॉक्टर के आर ठाकरे स्वर्ण पदक, माननीय कुलगुरू कैलासवासी हिरोजी बळीरामजी उलेमाले स्वर्ण पदक आणि एक्झामार ऍग्रीकल्चर रिसर्च अँड फाउंडेशन डेव्हलपमेंट रौप्य पदक कुमारी बघेले दुर्गा जनार्दन. मास्टर ऑफ सायन्स ऍग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत कृषी विद्या या विषयात सर्व मुलींमधून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जन्मशताब्दी सुवर्ण पदक, माजी कुलगुरू प्रोफेसर विठ्ठलराव रहाटे स्वर्ण पदक, स्वर्गवासी डॉक्टर भाऊराव बाजीराव तुलकेळे स्वर्ण पदक, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख रौप्य पदक आणि स्वर्गवासी लक्ष्मण नरहरपंत उत्तरवार रौप्य पदक, कुमारी तपन विंता सेनापती. मास्टर ऑफ सायन्स हॉर्टिकल्चर पदवी परीक्षेत व्हेजिटेबल सायन्स, फ्रूट सायन्स आणि फ्लोरिकल्चर या विषयामधून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल बॅरिस्टर शेषराव वानखडे सुवर्ण पदक, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जन्मशताब्दी सुवर्ण पदक हॉर्टिकल्चर, श्री माधव गंगाधर भूमराळकर हॉर्टिकल्चर रोख पारितोषिक आणि अण्णासाहेब महाजनी रोख पारितोषिक, कुमारी श्रुती उमा चागे. मास्टर ऑफ सायन्स ऍग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत वनस्पती रोगशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गवासी श्री अरविंद विश्वनाथ वायदे स्मृती स्वर्ण पदक, कालकथित कृष्णराव सकारामजी घोडेश्वर स्मृती स्वर्ण पदक आणि एक्झामार ऍग्रीकल्चर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशन रौप्य पदक, कुमारी डिंकवार गीतांशु तरेंद्र. मास्टर ऑफ सायन्स ऍग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत वनस्पती शास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल, तसेच ST आणि SC संवर्गातून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले स्मृती शताब्दी सुवर्ण पदक आणि प्राध्यापक GR तत्ववादी रौप्य पदक, कुमारी कावेरी देवीदास चव्हाण. हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. मास्टर ऑफ सायन्स ऍग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत कृषी अर्थशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांकन प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल श्री वामन महिंद्रे सर दिग्रसकर स्मृती स्वर्ण पदक आणि 34वे वार्षिक संमेलन भारतीय कृषी अर्थशास्त्र परिषद रोख पारितोषिक, कुमारी पल्लेपती अश्विनी. मास्टर ऑफ सायन्स ऍग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गवासी बाबाराव आनंदराव रौप्य पदक आणि दादासाहेब महाजनी रौप्य पदक, कुमारी हेन्सी डिब्रागेडे. हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. मास्टर ऑफ सायन्स ऍग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत कृषी विस्तार या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कर्मचारी सहकारी पतसंस्था रोख पारितोषिक आणि माजी सहयोगी अधिष्ठाता स्वर्गीय प्राध्यापक उघ देशपांडे रोख पारितोषिक, कुमारी आयशा कमर. हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. मास्टर ऑफ सायन्स इन ऍग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत वनस्पती शरीर क्रिया बियाणे तंत्रज्ञान या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर रंजन सीताराम शिवंतर स्वर्ण पदक,
कुमारी ए ब्लेसिना, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजिनियरिंग पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गवासी डॉक्टर शैलेश शरळ हुड स्मृती स्वर्ण पदक, कुमारी सेदानी सेजल रशिकला, मास्टर ऑफ सायन्स पदव्युत्तर शिक्षण संस्था अकोला पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शास्त्रीय अहवाल लेखन व ग्रंथपाल उपयोग या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून ग्रंथालयाचा वापर करण्यामध्ये उत्कृष्ट ठरल्याबद्दल श्री अनंतराव पंजाबराव देशमुख स्वर्ण पदक, कुमारी खंडारे महादेव शेतकऱ्यांना तात्काळ फायदेशीर व कमी खर्चाचे तत्वज्ञान अशा मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांमधून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात उत्कृष्ट संशोधन केल्याबद्दल डॉक्टर वासुदेव बळवंत राहुळकर रौप्य पदक, कुमारी कांबळे भाग्यश्री दत्ताराव मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजिनिअरिंग या पदवी अभ्यासक्रमात सन 2019-20 वर्षात कृषी अभियांत्रिकी विषयामध्ये उत्कृष्ट संशोधन केल्याबद्दल एर्गोनॉमिक रोग पारितोषिक कुमारी हगवने शीतल नंदकिशोर, मास्टर ऑफ सायन्स इन एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत दुग्धशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर गोविंद विनायक दानी स्मृती रौप्य पदक, श्री कहांडळ सचिन कुमार शिवाजी मास्टर ऑफ सायन्स इन एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत मृदशास्त्र व कृषी रसायनशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल स्वर्गवासी श्रीमती प्रेमलता सेवकराम हाडोळे स्मृती रोख पारितोषिक, कुमारी करवळे शिवानी गगन मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजिनिअरिंग पदवी परीक्षेत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल डॉक्टर वसंत कुमार नरसिंगराव मदन सुरे रोख पारितोषिक, कुमारी फसिला ओए हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजिनिअरिंग पदवी परीक्षेत सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून नियोजित वेळेत प्रबंध सादर केल्याबद्दल प्रोफेसर श्रावण सावजी वंजारी स्मृती रोख पारितोषिक, श्री आयुष चोप्रा हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. मास्टर ऑफ सायन्स इन एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत अंतिम वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या उत्कृष्ट विद्यार्थ्याला त्याच्या शैक्षणिक उपलब्धी व उत्कृष्ट चारित्र्याबद्दल स्वर्गवासी लक्ष्मण दामोदर नेवारे रोख पारितोषिक, कुमारी शाह क्षमा मेहबूब अधिष्ठाता कृषी हे सन 2019-20 या वर्षात निरनिराळी पदके व पारितोषिके प्राप्त केलेल्या त्यांच्या विद्याशाखेतील पदवीधरांना पाचारण करतील. सन्माननीय कुलपती महोदय, कृषी विद्याशाखेतील BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc आणि बॅचलर ऑफ BBA आणि BTech फूड टेक्नॉलॉजी पदवी परीक्षांमध्ये प्रावीण्य प्राप्त केल्याबद्दल पदके व पारितोषिक मिळविलेल्या पदवीधरांना सादर करीत आहे. त्यांना पदके व पारितोषिके देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना. BSc एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत आनंद निकेतन कृषी महाविद्यालय वरोरा येथून कीटकशास्त्र आणि वनस्पती रोगशास्त्र या विषयात बॅचलर ऑफ सायन्स एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृती स्वर्ण पदक, स्वर्गवासी डॉक्टर गजानन पिंपरीकर स्मृती स्वर्ण पदक, SP स्वर्ण पदक, डॉक्टर अरविंद मारुती धोपटे रौप्य पदक, रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट क्रमांक 314 रोख पारितोषिक, स्वर्गीय नानाजी रेंगुळवार रोख पारितोषिक आणि मेहरे बदस रोख पारितोषिक, श्री कळ राहुल शांताराम हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे. BSc हॉर्टिकल्चर पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय शांतारामजी बबन गावंडे स्वर्ण पदक आणि स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी राणी लक्ष्मीबाई जी राजवाडे
ग्वाल्हेर तर्फे श्रीमती माणिकबाई विनायक भिड़े, शांताबाई शंकरराव देसाई व श्री एकनाथ मोरेश्वर जोशी रोख पारितोषिक, कुमारी खापरे स्वाती हरिभाऊजी, बीएससी एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत विद्यार्थी मधून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय मातोश्री पार्वताबाई महिंद्रे स्मृती स्वर्ण पदक आणि श्रीमती विमलाबाई रोख रौप्य पदक, कुमारी सूर्या लक्ष्मी यस। हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे। सर्व पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांमधून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्म शताब्दी स्वर्ण पदक, कुमारी सहारे विनाताई कालिदास। बीएससी एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत वनस्पती रोगशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गवासी रेणूराव उपाख्य अण्णासाहेब पाटील साय खेडकर सुवर्ण पदक, श्री सिद्धेश सुनील झाडे। बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नॉलॉजी पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गवासी डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख स्मृती स्वर्ण पदक, कुमारी पिपराडे धनश्री विजयराव। कृषी महाविद्यालय अकोला येथून बीएससी एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त करून तसेच कृषी विद्या या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल कृषी महाविद्यालय अकोला रौप्य महोत्सव स्मृती रौप्य पदक, श्री गोविंद कृष्णा वैद्य रौप्य पदक आणि स्वर्गवासी उमाकांत यशवंत उपाख्य भाऊराव बैद रोख पारितोषिक, श्री पाचारे आनंद महादेवराव। हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे। बीएससी एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांमधून वनस्पती रोगशास्त्र या विषयात सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल मातोश्री पार्वताबाई गाडे स्मृती रोख पारितोषिक, श्री उईके अक्षय रतनराव। बॅचलर ऑफ सायन्स एग्रीकल्चर पदवी परीक्षेत श्री शिवाजी महाविद्यालय अमरावती येथून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालय अमरावती रौप्य महोत्सव स्मृती रौप्य पदक, श्री ढोबळे महेश ज्ञानेश्वर। हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे। बीएससी फॉरेस्ट्री पदवी परीक्षेत सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल श्री पी पी जोशी रौप्य पदक, कुमारी गिलेल्ला रेड्डी। हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे। अधिष्ठाता कृषी अभियांत्रिकी हे सन 2019-20 या वर्षात निरनिराळी पदके व पारितोषिके प्राप्त केलेल्या त्यांच्या विद्याशाखेतील पदवीधरांना पाचारण करतील। सन्माननीय कुलपती महोदय, कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील पदवी परीक्षेत प्राविण्य प्राप्त केल्याबद्दल पदके व पारितोषिके मिळविलेल्या पदवीधरांना सादर करीत आहे। त्यांना पदके व पारितोषिके देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना। बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग पदवी परीक्षेत तसेच मृदा व जलसंधारण अभियांत्रिकी या विषयात मुलींमधून सर्वाधिक मूल्यांक प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय अजित बेनीराम हारोडे स्मृती सुवर्णपदक, ISAE कन्व्हेन्शन मेमोरियल सुवर्णपदक, श्री गंगाधर हरी पराडकर रौप्य पदक, श्री गंगाधर हरी पराडकर रोख पारितोषिक, प्रोफेसर मेमन अली मोहम्मद रोख पारितोषिक, प्रोफेसर श्रावण सावजी वंजारी स्मृती रोख पारितोषिक आणि डॉक्टर वसंतकुमार नरसिंगराव मदनसुरे रोख पारितोषिक, कुमारी डेरे ऐश्वर्या प्रमोद। संचालक शिक्षण हे सन 2019-20 या वर्षात उत्कृष्ट शिक्षक म्हणून निवड झालेल्या शिक्षकांना पाचारण करतील। सन्माननीय कुलपती महोदय, उत्कृष्ट शिक्षक रौप्य पारितोषिक सन 1920 साठी
निवड झालेल्यांना अपना समोर सादर करीत आहे, त्यांना पारितोषिक देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना। श्री दामोदर कृष्णराव बल्लाळ रौप्य पदक, डॉक्टर एन एम कोंडे। संशोधक संचालक हे सन 2019-20 या वर्षात उत्कृष्ट संशोधन कार्य केल्याबद्दल निवड झालेल्या संशोधकांना पाचारण करतील। उत्कृष्ट संशोधनासाठी पुरस्कृत डॉक्टर के जी जोशी रोग पारितोषिक, शेतकऱ्यांना तात्काळ फायदेशीर अशा मुद्द्यांवर कृषी किंवा पशुविज्ञान विषयात विद्यापीठामध्ये उत्कृष्ट संशोधन केल्याबद्दल निवड झालेल्या संशोधकांना सादर करीत आहे, त्यांना रोग पारितोषिक देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना। डॉक्टर आर पी मुरुमकर। डॉक्टर श्रीमती एस व्ही गुप्ता। श्री ए वाय तळोकर। डॉक्टर एस डी चव्हाण आणि डॉक्टर डी एस फड। राधा किशन शांती मल्होत्रा रोग पारितोषिक, कृषी व पशुविज्ञान विषयामध्ये उत्कृष्ट संशोधन केल्याबद्दल आणि विद्यापीठ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना तात्काळ पोहोचविणे यासाठी निवड झालेल्या संशोधकांना सादर करीत आहे, त्यांना रोग पारितोषिक देऊन पुरस्कृत करावे ही प्रार्थना। श्री पी पी देशपांडे। डॉक्टर डी बी उंदिरवाडे। डॉक्टर यू एस कुलकर्णी। डॉक्टर एच आर सवई। डॉक्टर व्ही जी नागदेवते। हा पुरस्कार अनुपस्थितीत प्रदान करण्यात येत आहे। कृषी शास्त्र, पशुविज्ञान, मत्स्यविज्ञान आणि कृषी अभियांत्रिकी या शाखांमधून राष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट संशोधन केल्याबद्दल स्वर्गीय डॉक्टर पी एस खानखोजे सुवर्ण पदक, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंग। कुलसचिव हे सन 2019-20 या वर्षाकरता शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधून उत्कृष्ट कर्मचारी म्हणून निवड झालेल्यांना पाचारण करतील। सन्मान्य कुलपती महोदय, उत्कृष्ट कर्मचारी म्हणून निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याला सादर करीत आहे, त्यांना योगतज्ञ श्री विठ्ठलराव झिपकाटे रोग पारितोषिक देऊन पुरस्कृत करावे ही विनंती। शाखा अधिकारी ते सहाय्यक कुलसचिव आणि तत्सम या संवर्गामधून उत्कृष्ट कर्मचारी कैलासवासी अतुल लक्ष्मणराव डिक्कर, त्यांची मुलगी वेदश्री ही स्वीकार करेल।
शाखा सहायक ते सहायक शाखा अधिकारी आणि तत्सम या संवर्गामधून उत्कृष्ट कर्मचारी श्री देवेंद्र नरेंद्र काळे. कुलसचिव हे नवीन पदके व पारितोषिकांसाठी देणगी देणाऱ्या सन्माननीय देणगीदारांची नावे सादर करतील. मान्य कुलपती महोदय, देणगीदारांची नावे आपणासमोर सादर करीत आहे. डॉक्टर आशिष देशमुख, आमदार नागपूर, यांनी MSc उद्यानविद्या मधून फळशास्त्र या विषयात विद्यापीठातून सर्वाधिक गुणांक प्राप्त करून उत्तीर्ण होणाऱ्या तसेच प्रबंध विहित कालावधीत विद्यापीठात सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता श्री रणजित देशमुख अमृत महोत्सवी मेमोरियल सुवर्ण पदक याकरिता रुपये 3 लाखाची देणगी दिलेली आहे. सर्व पदवी प्राप्त पदवीधरांना सन्माननीय कुलपती महोदय आता दीक्षांत उपदेश देतील. सर्व पदवीधर दीक्षांत उपदेश ग्रहण करेपर्यंत आपल्या जागेवर उभे राहतील. या विद्यापीठाच्या कुलपती या नात्याने मी आपणास प्राचीन ऋषी मुनीच्या संदेशाला अनुसरून पुढील दीक्षांत उपदेश प्रदान करीत आहे. आपण तो मनःपूर्वक ग्रहण करावा व त्याचे पालन करावे. सत्यम वदा, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, एष आदेश, एष उपदेश, एषो एष वेदोपनिषद, एतद् अनुशासनम. हे पदवीकांक्षिणो, भरील संदेश हा आपल्या हृदयात खोलवर रुजवून त्यावर अमल करीत शिस्तबद्ध नेते आचरणात आणवा. सर्व पदवीधर पुढील प्रतिज्ञा एका सुरात माझ्या सोबत म्हणतील. आम्ही दीक्षांत उपदेशांचे चिंतन आणि मनन करून त्याप्रमाणे आचरण करू. सर्व पदवीधर आपल्या जागेवर बसतील. या समारंभाचे मुख्य अतिथी डॉक्टर RC अग्रवाल दीक्षांत भाषण करतील. ऋषी साहब का भाषण. सभी को मेरा नमस्कार. हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड चांसलर श्री भगत सिंह जी कोश्यारी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड प्रो चांसलर श्री दादाजी भुसे जी एंड डिस्टिंग्विश्ड वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी डॉक्टर BM भाले, फॉर्मर वाइस चांसलर्स डॉक्टर पतुरकर, वाइस चांसलर ऑफ MAPSU, मेंबर्स ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज, फैकल्टी, डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज, इनवाइटीज, कैंडिडेट्स रिसीविंग डिग्रीज एंड ऑनर्स, फार्मर्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माई डियर स्टूडेंट्स, आई डीम इट टू बी एन ऑनर फॉर बींग इन्वाइटेड टू द 35th convocation of this university. I congratulate the Vice Chancellor, the Board of Management, faculty and staff of this university on their tireless efforts to take this university to a prominent position among the agricultural universities of our country. My congratulations go to all the alumni who are taking their degrees today. You have worked hard and proved yourself worthy of this holding this degree from this esteemed university. I also thank the parents of the students for their support and often sacrifices they have made
to teach their words. Friends, enough has been told about the achievements of this university by Honorable Vice Chancellor. You all know that how this university has grown up, how cheerful today the students you can see, and that shows that how they have received the best of the best teachings from their teachers from this university by utilizing the environment which they have received here. So I again compliment each of the students, and especially I congratulate the girls students. I see only few boys receiving the awards. So I don't know kaun si chakki ka aata yahan log girls ko khilate hain, ki main samajhta hu 90% se zyada awards girls ko gaye. Main iske liye sabhi chhatraon ko mubarakbad deta hu, aur ye dekhkar BC sahab main aapko bhi mubarakbad deta hu ki aapne itna inko protsahan diya ki ek छात्र मैंने देखी कि गले में मेडल्स डाले नहीं जा रहे थे, इतने मेडल्स उसको दिए हमारे माननीय मंत्री जी ने. तो बहुत बहुत मुबारक, दिल से मुबारक. ये पूरा व्याख्यान मैं वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ूंगा, ये आप लोग सब पढ़ सकते हैं इसको, सभी पढ़े लिखे लोग हैं. मैं कुछ मुख्य बिंदु छात्रों के लिए और अध्यापकों के लिए इस दीक्षांत समारोह पर बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इजाजत दें. सर्वप्रथम मैं छात्रों को बताना चाहूंगा कि आज जो आप लोगों ने डिग्री ली है, ये एक और नया दायित्व तो आप लोगों को मिल गया है. अब आप समाज के प्रति और उत्तरदायित्व हो गए. इससे आपका सामाजिक दायित्व भी बढ़ता है, आपका पारिवारिक दायित्व भी बढ़ता है, आप एक पारिवारिक जीवन में भी प्रवेश करेंगे. तो आज का दिन आपका एक बड़ा खुशी का दिन है कि आपने एक डिग्री हासिल की है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, ग्रेजुएशन के लिए है, या आपने MSc ली है या PhD ली है. तो जब हम दायित्व की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं. आप लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे, मैं सुनता हूँ सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो भी शब्द दिए हुए हैं उनको हमें देखना भी है. हम लोग जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि हमें शिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण करनी है कि हमें एग्जाम पास करना है, शिक्षा इसलिए ग्रहण करनी है जिससे कि हमें जो भी चीज दिया है हमें उसको सीख कर उसको अपने जीवन में उतारना भी है. तो मैं हनुमान चालीसा की बात कर रहा था, तो उसमें एक पंक्ति आती है, बल बुद्धि विद्या देव मूल. तो हम क्या भगवान से मांगते हैं, स्ट्रेंथ मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं और विद्या मांगते हैं. धन की बात उसमें नहीं आती है. तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि बल बुद्धि धन विद्या देव मूल, क्योंकि नॉलेज विदाउट इंटेलिजेंस इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, एंड इंटेलिजेंस विदाउट नॉलेज इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमेशा आप याद रखिए कि अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं, बल है, बल आपको हेल्थ पर ध्यान रखना है, बल मतलब ये नहीं कि आपको लड़ाई करनी है, बल है आपके पास, बुद्धि है और विद्या है, तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं. और ये आज जो आपने डिग्री ली है, माननीय राज्यपाल जी ने आपको जो अभी शपथ दिलवाई है, इसको आप वास्तविक रूप में अपने जीवन में उतारें. तो मैं समझता हूं कि आपकी डिग्री का एक बहुत बड़ा एक आपके जीवन में महत्व रहेगा और आप बहुत कुछ कर सकते हैं. इसका उदाहरण माननीय मंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी मैं आपको देना चाहूंगा. एक हमारे डॉक्टर कृष्ण एला, आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत बायोटेक के ओनर हैं और जिन्होंने अभी एक वैक्सीन बनाई, वो भी हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे, हमारे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, बाद में US बेंगलोर में पढ़े, लेकिन उसके बाद में US चले गए और फिर US से सब कुछ छोड़ के वो भारत आ गए कि नहीं मुझे
भारतवर्ष के लिए काम करना है, और आज आप देखिए कि किस तरह से भारतवर्ष का एक परचम लहरा है पूरे विश्व में। तो हर बच्चे के अंदर एक ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है कि आप उस प्रतिभा को अगर बाहर निकालना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि हर बच्चा एक जैम है, हमें कोशिश करनी है कि किस तरह से उसकी छुपी हुई प्रतिभा को हम बाहर निकालें। इसमें रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्रकवि हुए हैं और बहुत सारे उनको पुरस्कार मिले, और उनका एक रश्मि रथी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने कहना चाहूंगा। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजाली हो। जब भी हम लाइट जलाते हैं उसके बीच में एक उजाला होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। वो पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड आप लोग समझते होंगे गन्ना शुगर केन, उसको हिंदी में इक्षुदंड। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बंधी ललनाओं का श्रृंगार। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधम प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां आप कभी पढ़िए, एक बहुत अच्छा संकलन है कविताओं का रामधारी सिंह दिनकर का, जो कर्ण ने, कर्ण को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसमें वर्णन किया है। तो वन में प्रसून तो खिलते हैं, आपका फूल कहीं भी खिल जाता है लेकिन शाल आपके कभी आपके होम गार्डन में नहीं खिलते हैं, वो सिर्फ वनों में ही मिलते हैं। आप लोगों को फूल की तरह हर जगह खिलना है, हर जगह जहां भी आपको जैसा भी वातावरण मिले वहीं पर आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेज हैं और उस चैलेंज को आप देखेंगे, अभी हमारा क्लाइमेट से कनेक्टेड, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे कनेक्टेड बहुत सारे इश्यूज हैं। आप लोगों को उनको सबको देख, जो भी रिसर्च करेंगे या जिस तरह से भी आप कृषि से जुड़े रहेंगे उन सब का हमें समाधान ढूंढना है। बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आने वाली हैं क्योंकि हर तरह का संसाधन हमारे पास सीमित है, और उस सीमित संसाधनों में हमारी जो चुनौतियां हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या की, अब हर 10 साल में 1 बिलियन पॉपुलेशन आपकी बढ़ जाती है। 1 बिलियन आप सोच भी सकते हैं कितनी जीरो लगेंगे उस पर, जो कि बहुत एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लेकिन आपके साधन सारे सीमित हो रहे हैं। तो आपके पास इतना बड़ा दायित्व है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का एक सही उपयोग करें, किस तरह से हम कुपोषण को दूर करें, किस तरह से हम IoT का यूज करें, किस तरह से हम डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब अभी हमें एक सपना लगता है लेकिन आने वाले समय में हमें इसके बगैर हम रह नहीं सकते। अभी हमें लगता है, ये आप देखें 1995 की बात है, हम लोगों को लगता था एक सपना कि कभी ऐसा समय आएगा कि हम लोग मोबाइल यूज कर पाएंगे। एक कॉल आपकी 18 रुपए की उस समय होती थी जब तनख्वाह हमें 3000 रुपए मिलती थी। इनकमिंग भी 18 रुपए पर मिनट, आउटगोइंग भी 18 रुपए पर मिनट। आज भी अगर 18 रुपए की कॉल हो जब आपको तनख्वाह इतनी ज्यादा मिलती है तब भी आप कॉल नहीं लेंगे जो, तो एक सपना था। लेकिन आज आप देखिए हर आदमी अनलिमिटेड बात कर सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमने अपनाया। कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं वो ट्रेनिंग लेके आते हैं मोबाइल यूज करने के लिए। इतना यूजर फ्रेंडली हो गया है कि हर आदमी, चाहे वो बिल्कुल नहीं पढ़ना लिखना जानता लेकिन किसी का नाम कैसे सर्च करना है, किसी को मोबाइल कैसे कॉल करना है, व्हाट्सएप कैसे करना है, सब करते हैं। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर में हमारा किसान टेक्नोलॉजी का प्रयोग, आज हमें भले ही सपना लगे कि वो समय कब आएगा जब हर किसान एक ड्रोन का यूज करेगा, हर किसान, अभी मैं राहुरी के पास एक गांव हम लोगों ने अडॉप्ट करवाया हमारे NEHDT के तहत, और उसमें अभी पिछले हफ्ते मैं गया विजिट करने के लिए, वहां देखा कि डिजिटल एग्रीकल्चर का उन्होंने एक मॉडल बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है और किसान बहुत खुश थे। उसमें आपका
एक ऑटोमेटेड पंप लगाया है उस, और पहले जहां 2 घंटे तक इरिगेशन करना पड़ता था उस ऑटोमेटिक पंप से, वो ऑटोमेटिक सेंसर से देख के बता देता है कि इसमें सिर्फ 25 मिनट का आपको सिंचाई करनी है। उसी तरह से और बहुत सारे डिजिटल इनोवेशंस किए हैं अभी, और उसको हम स्केल अप करके एक बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जब तक तकनीकियों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ों का समाधान नहीं मिलेगा। जो हमारा एक नारा है कि यू हैव टू ग्रो मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर, कि आपको कम से कम में हमारा एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन देखेंगे दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम है, उसमें बहुत नीचे आते हैं हम लोग। अभी हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, लेकिन हमारा हंगर इंडेक्स में नंबर देखिए कितना नीचे चला गया, हमारा नंबर 100 से भी नीचे चला। तो ये सब चिंताओं की बात है। आज हम फूड ग्रेन की बात नहीं करते हैं, आज हम बात करते हैं कुपोषण की, कि आपको जो भी प्रोड्यूस करना है उसमें न्यूट्रिशंस कितने हैं। हर आदमी न्यूट्रिशन के लिए बहुत चिंतित है, तो ये भी एक आपके पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से आपको बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स बनानी है, किस तरह से आपको और नई रिसर्च करनी है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना है या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग यूज़ करनी है, कि जिससे आपके पास स्ट्रेस टॉलरेंट वाली सारी वेराइटीज हों, चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो चाहे कोई और तरह की बीमारी हो। हमारा टिड्डियों का दल आया लास्ट ईयर लोकस्ट, उससे कैसे आपको लड़ना है, तो कोई भी ऐसी आपदा आ सकती है, तो हमें उन सब से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को हमेशा, लर्निंग इज नेवर एंडिंग, आपके अंतिम क्षण तक आपको सीखते रहना है, और उस सीखने के लिए आपको हमेशा जो भी नई नई चीज़ें हो रही हैं उसको सीखना है। अभी नोबेल प्राइज मिला आपका फिजिक्स में, आप सब लोगों को पता होगा फिजिक्स में क्लाइमेट चेंज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और उसमें एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी एक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत की है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर वे में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और किस तरह से पूरी की पूरी क्लाइमेट चेंज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया। तो वो अब आपके लेवल पर जिन्होंने डिग्री हासिल की है, आपको एग्जाम पास करने के लिए ये नहीं सिर्फ टिक करना है कि नोबेल प्राइज किसको मिला, आपको ये देखना है कि नोबेल प्राइज किस लिए मिला, उसको क्या काम किया। अभी एक सर हम लोग एक कंसल्टेंसी दी हम लोगों ने, 2 कंसल्टेंसी हम लोगों ने दी ICR से, और मैं खुद उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। तो एक कंसल्टेंसी दी हमने कि हमारे यहाँ जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो पूरी स्टडी हम उसके करवा रहे हैं जो है, और उसमें जो मैं 100 टॉप 100 विश्व की यूनिवर्सिटीज देख पाया कृषि में, आपको पता ही होगा नंबर 1 यूनिवर्सिटी वैगनिंगन यूनिवर्सिटी है। तो कृषि में इसमें मैं देख पाया जो टॉप 100 हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि आपके यहाँ से नोबेल प्राइज विनर्स कितने हुए। तो क्या हम कभी उस लेवल पर आ सकते हैं हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोगों को नोबेल प्राइज मिले। हमें हमेशा बड़ा सोचना है, छोटा नहीं सोचना है कि मुझे सोसाइटी का अवार्ड लेना है, कि मुझे ICR का अवार्ड लेना है, मुझे भारत सरकार का अवार्ड लेना है, ये भी जरूरी है। तो वो एक पैरामीटर, क्या हम कभी 100 में आ सकते हैं कि हमारे यहाँ से कितनी फैकल्टी है जो कि नोबेल प्राइज विनर्स आपके यहाँ पढ़ाते हैं या नोबेल प्राइज लिया है उन्होंने, फूड प्राइज विनर्स हैं। तो जब तक हम उस लेवल पर नहीं सोचेंगे, छोटे लेवल पर सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुँच सकते, ग्लोबल लेवल पर नहीं पहुँच सकते। ग्लोबल लेवल पर पहुँचने के लिए अक्सर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है यूनिवर्सिटी से कि सर हमें पैसा दे दिए। हमें पैसे से कभी ग्लोबल नहीं बन सकते, आपकी सोच से आप बड़े बन सकते हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा मॉडल आप बना सकें रिवेन्यू जनरेशन का, एक और एनालिसिस की हम लोगों ने कि किस तरह से क्या डिफरेंस है हमारे रिवेन्यू जनरेशन में। तो एक विश्वविद्यालय हमारे ऐसा भी है जिसका 128 करोड़ प्रतिवर्ष रिवेन्यू जनरेट करते हैं वो लोग जो है, और एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसका कि 50 लाख एक साल का है। तो हम लोग किस तरह से अपना रिवेन्यू बढ़ा के, और ये हमारा जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें जो मैंने एक डॉक्यूमेंट भी सर साझा किया आपके साथ में, उसमें हमने लिखा है कि 2035 तक सभी कृषि विश्वविद्यालय
वो फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएंगे। तो ओवरनाइट नहीं हो सकते, अभी से हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा कि कैसे हो सकते हैं। आपके पास 2000 एकड़ जमीन है, तो आप किस तरह से स्टूडेंट को, क्या हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज दे सकते हैं जिससे कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, आप जब वो डिग्री ले लेते हैं तो अगर जमीन उनको यूज करनी है यूनिवर्सिटी की, तो क्या कुछ इस तरह हम मैकेनिज्म बना सकते हैं, एक रेवेन्यू मॉडल बना सकते हैं कुछ। पत्रकार साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं कुछ एनिमल यूनिवर्सिटीज, एनिमल साइंस यूनिवर्सिटीज में गया और मैंने पूछा कि एक डॉग, क्योंकि आजकल मैक्सिमम क्लाइंटेल वेटनरी यूनिवर्सिटीज में डॉग्स का आता है, तो मैंने कहा कितना पैसा लेते हैं, कहने लगे 500 रुपये एक ऑपरेशन का लेते हैं हम लोग जो हैं। तो मैंने कहा 500 रुपये एक ऑपरेशन तो कुछ भी नहीं है, एक आदमी जो डॉग पालता है वो प्रतिदिन करीब 1000 से 2000 रुपये खर्च करता है, और यहाँ पर आप सारा सपोर्ट गवर्नमेंट से मांगते हैं, तो आप उसको फैसिलिटीज अच्छी दीजिए, आप उसको कई तरह के मॉडल्स बनाइए, और तब आप सोचिए कि किस तरह से उसको हम, जिससे कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो। आप एम्बुलेंस बनाइए अच्छी अच्छी जो है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह के हमें सोचनी है कि जिस तरह से हम इसमें काम कर पाए। इसमें बहुत सारी चीज़ हमने नई शिक्षा नीति जो कृषि में हम प्रयोग में ला सकते हैं हमने दी है, और मैं आपके साथ साझा भी किया है सर मैंने डॉक्यूमेंट। मैं बताना चाहूँगा कि उसमें हॉस्टल की अनिवार्यता भी हमने खत्म कर दी है, हॉस्टल कंपलसरी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सीट्स ज़्यादा बढ़ानी है बच्चों के लिए, तो किस तरह से आपको आसपास पेइंग गेस्ट हाउस रखने हैं या किस तरह से और सुविधाएं क्रिएट करनी है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देना है, हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चे नौकरी लेने वाले न बने, नौकरी देने वाले बने। उसके लिए आपको किस तरह से इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने, बिजनेस सेंटर्स बनाने, किस तरह से आपको और बिजनेस मॉडल्स बनाने हैं, ये सब देखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें बहुत काम करना है। अभी हम लोगों ने MSc और PhD का कोर्स रिवाइज किया है, और उसमें भी बहुत सारे नए एकेडमिक रूल्स हमने लगाए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो चेंज हमने किया है सर, माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि MSc के लिए अब आपका एक एडवाइजरी मेंबर वो आपका प्राइवेट इंडस्ट्री से भी हो सकता है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि किस तरह से क्या रिसर्चेबल इश्यूज हैं उनके लिए। और भी बहुत सारे चेंज किए हैं, मैं सारा अब यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उनका इम्प्लीमेंटेशन टाइमली हम करें, हमारा NEP डॉक्यूमेंट का हम इम्प्लीमेंटेशन करें। अभी कल ही मेरे पास पत्र आया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि उन्होंने हमारा NEP डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज सभी मंत्रालयों को भेज दिया है कमेंट्स के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की। इन सब शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग, जो आप लोगों ने आज वचन लिए हैं माननीय कुलाधिपति महोदय ने जो आपको एक शपथ दिलवाई है, इसका पालन करें और इस समाज के लिए, इस पूरे देश के लिए, अपने परिवार के लिए आप अच्छी तरह से काम करते रहें। जय हिंद, नमस्कार। सन्माननीय श्री दादाजी भुसे, कृषि मंत्री, माजी सैनिक कल्याण, महाराष्ट्र राज्य तथा प्रति कुलपती डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला संबोधित करतील। या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलपती महोदय दीक्षांत भाषण करतील। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के आज के इस दीक्षांत समारंभ में आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर RC अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के सम्माननीय कृषि मंत्री
आदरणीय दादाजी भुसे साहब, वाइस चांसलर डॉक्टर विलासराव भाले जी, रजिस्ट्रार साहब और अन्य सभी फैकल्टी मेंबर्स, आज डिग्री लेने वाले सभी छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो हमारे आज जिन छात्र छात्राओं ने डिग्रियां प्राप्त की हैं उनको अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई कंग्रेचुलेट देम ऑल। हम लोग एक नए भारत के निर्माण की ओर जा रहे हैं, एक समृद्ध भारत के निर्माण की ओर जा रहे हैं। आप में से जो यूजी पीजी कर रहे हैं या इवन पीएचडी कर रहे हैं, संभवतः वो अंदाज नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो अभी आपके अग्रवाल साहब बोल रहे थे, आपके वाइस चांसलर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, उन सबको पता होगा कि 1962-66 या उससे पहले देश अनाज के बारे में, अन्न के बारे में विदेश पर आधारित था। अमेरिका से अन्न आता था। आप कल्पना कर सकते हैं आज इस देश के अंदर अन्न के भंडार भरे हैं। किसको क्रेडिट जाता है? Whom does the credit go? The credit goes to our scientists, agriculturists, and mostly to our farmers. जो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, उन्होंने बहुत सारी नई नई खोजें की, और हमारे जो किसान हैं, उन किसानों ने, जो हमारे फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स ने इन प्रयोगों का, इन एक्सपेरिमेंट्स का, इन नए इन्वेंशन का, रिसर्चेस का भरपूर प्रयोग किया, और उसके कारण से आज से कोई 60 साल पहले देश में अन्न के लिए तरसते थे लोग, और आज हम आत्मनिर्भर अन्न के मामले में। अभी अग्रवाल जी कह रहे थे कि फूड इंडिकेटर और हंगर इंडिकेटर, आई डोंट बिलीव इन इट, मे बी करेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन के मामले में यू कैन स्पीक कि भाई हाँ, न्यूट्रिशियस भोजन हमारे पास नहीं होगा, वो पैरामीटर मेरे पास नहीं, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, लेकिन आज ऐसा नहीं है कि लोग भूखे रहते हैं, गरीब से गरीब को भी खाना मिलता है। हाँ, न्यूट्रिशियस तो इट इज नॉट इजी, क्योंकि देश जनसंख्या ज्यादा है और उतना न्यूट्रिशियस सबको मिलता हो ऐसी है नहीं, और चूंकि वो है नहीं, वो करना है, इसीलिए आप सब हम लोग लगे हैं। इट इज चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस कि हम न्यूट्रिशियस भोजन, अन्न कैसे लोगों को दें, डाइट कैसे लोगों को दें। मुझे लगता है कि एक जमाने में एक ऐसा अवसर था जब इस देश को अन्न की जरूरत थी, हमारे अन्नदाता किसान ने और आप सब लोगों के रिसर्च ने, अनुसंधान ने, शोध ने वो रास्ता दिखाया, हम अन्न उत्पादन में श्रेष्ठ बन गए, हम आत्मनिर्भर भी बन गए, लेकिन हम कैसे अन्न के मामले में भी और अन्न के साथ साथ हम एक स्वस्थ ऐसा भारत बनाने के लिए, और कैसे हम ऐसे न्यूट्रिशियस भोजन को कैसे पैदा करें। मुझे लगता है कि अगला अभियान हमारा उस न्यूट्रिशियस उत्पादन के लिए होना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट सो मच सीनियर प्रोफेसर्स हियर, बहुत अच्छे सीनियर लोग हैं, तो उस दिशा में हम एक सोच सकते हैं कि भाई ये दुनिया में नहीं चलना चाहिए कि हम बहुत पीछे हैं और वो पीछे पीछे करके तो तुम पिछड़े हो, पिछड़े करके देश को पिछड़ा कर दिया गया। हम लोग एक आत्मविश्वास करें, आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या, आत्मविश्वास। आखिर यहाँ पर हमारी छात्र छात्राएं, अभी अग्रवाल जी कह रहे थे कि कल मैं, हमारे आदरणीय भुसे साहब और हम एक ही विश्वविद्यालय में थे राउरी में, वहां भी हमने देखा, जिस विश्वविद्यालय में जाता हूं आखिर सारा जो गोल्ड मेडल्स हैं, ये सारे मेडल्स
90% से ऊपर हमारी बालिकाएं कैसे ले रहे हैं? मुलगा पिछड़ गए, मुलगी आगे हो गई, कैसे हो गया ये? इसका सीधा अर्थ है कि कभी हमारे रामायण में आता है कि जनक जी ने हल चलाया और उसमें से सीता निकल आई। तो मुझे लगता है इनके जनक ने, इनके पिताओं ने जरूर कहीं हल चला करके, कहीं परिश्रम करके ये सीता पर पैदा कर दिए जो सबको टॉप कर रहे हैं और बाकी सब पिछड़ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको, उसमें हमारे छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, सबको सोचना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे अभी अग्रवाल जी कह रहे थे कि सोच हमारी आगे कैसे बढ़े और सोच के अंदर हम ऊंचा कैसे देखें। अगर ऊंचा सोचेंगे नहीं तो उसके लिए परिश्रम भी नहीं करेंगे। केवल ऊंचा, ये कोई यूटोपियन काम नहीं है कि ऊंचा सोच लिया फिर पता ही नहीं लगाया कहां जा रहा है, बैठे रहे कपोल कल्पनाएं करते रहे, डे ड्रीम करते रहे। हमको ऊंचा भी सोचना है, उसके लिए ऊंचा परिश्रम भी करना है। तो आप सब लोग, अभी राउरी का उदाहरण दे रहे थे अग्रवाल साहब, मैं भी कल राउरी में था, मैंने 2 घंटा वहां घूम करके देखा। द्रोण आदि दो तीन चीजें उन्होंने ऐसी बना रखी है कि मुझे लगा कि हम सारे विश्वविद्यालय ऐसा कर सकते हैं, मे बी बेटर देन देम, उससे भी और अच्छा कर सकते हैं। पर इस सब के लिए हमें सबसे अपने अंदर एक प्रकार से चिंतन करना होगा, हमें उससे आगे बढ़ना होगा। अब ये जो न्यूट्रिशन की हंगर उसकी बात आई है, इंडिकेटर्स की, आखिर इस देश के अंदर जब 1960 के बाद 1965 के बाद एकदम हरित क्रांति हो गई तो कुरियन जैसे लोग हमारे पैदा हो गए, जिनसे प्रेरणा लेकर के इस देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो शायद कभी फिश भी नहीं खाते होंगे, मछली भी नहीं खाते होंगे, लेकिन उनका कहना कि यस, हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई, अब हमको ब्लू रेवोल्यूशन करना है, यानी पानी में हमको कैसे मत्स्य उत्पादन, इसका उत्पादन करना और ऐसी चीजें उससे उत्पादन हो सकते हैं, उसको करके हम जो न्यूट्रिशन की बात अभी चल रही थी, स्वास्थ्यपूर्ण ऐसे हेल्दी फूड्स की जो बात चल रही थी, हम उसको कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम केवल, जैसा कहा ना भी कि हम एम्प्लॉयमेंट ढूंढने वाले इधर है, एम्प्लॉयर बने, हम एम्प्लॉयर नहीं भी बनते तो सेल्फ सफिशिएंट तो बने, सेल्फ डिपेंडेंट तो बने। और उसके लिए यदि आप लोगों ने कोई काम करना शुरू किया तो हमारे यहाँ बचपन में हमको पढ़ाते थे अंग्रेजी का मास्टर कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ, और उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। अगर हम खुद खड़े होंगे और कोशिश करें, आई कैन अश्योर यू, आप में से बहुत से लोगों ने वो गरीबी नहीं देखी जो हम जैसे अनेक लोगों ने देखी है। लेकिन मन में संकल्प हो, हमारी आदतें खराब ना हो। आज के युवा तो बहुत सारे बिगड़ जाते हैं, उनके बारे में कैसी कैसी टीवी में न्यूज आती तो सिर झुक जाता है। हम लोग एक प्रकार से अच्छा संकल्प लें, अच्छा संकल्प लेंगे तो आप लोग जो भी लक्ष्य धारण करोगे और आपके माध्यम से किसानों के बीच में जाओगे, ठीक है, जिसको अच्छी नौकरी करने टैलेंटेड है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आप करिए, वो भी करिए, उसमें दिक्कत नहीं है, आप विदेश जाना चाहे वो भी जाइए, परंतु हम कैसे अपने यहाँ अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, हम कैसे, हमने कृषि विज्ञान से पढ़ा है, यांत्रिकी से हमने पढ़ा है, तो हम कैसे इन चीजों में अच्छा काम कर सकते हैं, उसके लिए आप सबको संकल्प लेना होगा। और मुझे लगता है यदि हम अच्छा संकल्प लेंगे, अभी हमारे चर्चा आई थी, कल भी मैंने चर्चा की थी कि हमारे एक दिन मुझे यहाँ मेरे ऑफिस में आ गए, गवर्नर हाउस में प्रोफेसर हिंगमरे, उन्होंने कहा सर मैंने ये नई खोज कर रखी है और मैं आपको एक बड़ा किसानों का सम्मेलन करना चाहता हूँ। अब वो विदेश में थे, विदेश से हिंदुस्तान आ गए, साइंस के विद्यार्थी शुरू में नहीं थे, शुरू में एग्रीकल्चर के विद्यार्थी थे, है? लेकिन उनका दिमाग था कि नहीं कृषि के साथ कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने कोशिश की और आज यहाँ महाराष्ट्र के अनेक जिलों में किसान मेले, बहुत सारे किसान आए,
उन्होंने कहा हमारे पहले हम लोग जिसको 40 रुपए में बेचते थे तो वो 120 रुपए में इंग्लैंड हमारा सामान जा रहा है, चाहे बनाना हो चाहे आपके और कोई दाल हो कुछ भी हो विदेश जा रहा है। अभी कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि हम पहले ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स है उसको तो शुरू करें और फिर उसको करने के बाद पेटेंट तो करें। यदि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, मैं पूछता हूं कि कितने पेटेंट आपने पिछले 5 साल में किए। अब हम उस दिशा में सोचा तो सही, अब अगर उस दिशा में सोचेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे बूढ़े लोग उतना नहीं कर सकते। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और आप लोगों का इमेजिनेशन है, विजन है, एस्पिरेशन है। तो आपके एस्पिरेशन, अब आपके प्रोफेसर वाइस चांसलर इतने सीनियर हो गए, दे कांट हैव एनी मोर एस्पिरेशन, बट यू आर यंग, जवान हो, युवा हो, और आप लोग अपने एस्पिरेशन आगे रखेंगे और कुछ आइडियल्स आगे रखेंगे, उस आइडियल्स को आगे लग करके यदि आगे बढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आप अमेजिंग सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, एक अद्भुत सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई इसके लिए किसी बड़े उद्योगपति के घर में या बड़े नेता के घर में पैदा होना जरूरी नहीं है। हम सामान्य से सारे इतिहास लोगों का पढ़िए, सामान्य से सामान्य घर में पढ़ के कैसे लोगों ने, केवल आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थोड़ा सा जीवनी पढ़ो ना, ऐसे कितने लोग हैं। आई विल टेक टाइम, मुझे और भी काम है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग उस दिशा में कोशिश करें, उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका प्रारंभ मैंने आपका गीत सुना, विद्यालय का गीत, विश्वविद्यालय का, उसमें आपने सुंदर भारत देश और रम्य विदर्भ प्रदेश इस प्रकार की बात कही है। अभी सुंदर भारत देश क्या केवल केवल नरेंद्र मोदी या यहाँ के हमारे कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री उद्धव जी बनाएंगे क्या? ये रम्य, सुरम्य, सुंदर, ये आपके प्रयासों से होगा। ये जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इनके प्रयासों से होगा। एक जमाना था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी मेरे साथ कोई लड़की होती नहीं थी। मैं 8th तक गया, मिडिल कहते थे, मेरे साथ कोई लड़की होती नहीं थी पढ़ने वाली। मैं 10वीं तक गया, कोई लड़की होती ही नहीं थी। जब मैं 11वीं गया तो मेरे साथ 4 लड़कियां थी, मुलगी, 4 मुली। बीए में गया जब मैं, तब जाकर के फिर वहां 100-150 अच्छी होगी। तो आज जहां देखो वहां हमारी छात्राएं आगे क्यों है? इट मीन्स हमारी गर्ल्स है, दे आर मोर सिंसियर देन अवर बॉय। और मुझे लगता है कि हमारे हमारे कुलगुरु और सभी हमारे प्रोफेसर से मैं निवेदन करूंगा कि कहीं ना कहीं इस गैप को खत्म करिए। जैसे पहले हमको लगता था कि लड़कियां पीछे हैं, उनको आगे लाना है, उसके लिए हमने प्रयास किया। और आज भी हम कहते कि लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, आज भी कह रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल फील्ड में हो रहा है वो दिखाई देता है कि बेटियां अच्छा काम कर रही है। मैंने बहुत से लोगों से कहा कि मेरा प्रेडिक्शन है कि आगे 30-20 साल बाद 50% IAS लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी। तो वो सिंसियरिटी, इसलिए बैलेंस बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा युवक वो बेकार हो जाए, फिर डिस्ट्रक्टिव काम में लगे। बैलेंस बना कर आगे चले, उस दिशा में भी मुझे लगता है कि हमको सोचना चाहिए। क्योंकि आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे विश्वविद्यालय ने, हमारे छात्र छात्राओं ने, NSS ने, हमारे NCC के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है इस पेंडेमिक में। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सब ने मिल करके बहुत श्रेष्ठ काम किया है और मैं उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सब से यही अनुरोध करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं, सफलता की सीढ़ियां आगे तक चढ़ते जाएं, पहुंचे, ऊंचाई तक पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। और निश्चित रूप से हम जो मंत्र है अभी आपको आपके मुख्य आज के अतिथि है श्री आरसी अग्रवाल ने दिया है कि हम इनोवेशन इंक्यूबेशन की ओर चले, उस दिशा में आप लोग काम करेंगे और इस भारत माता का और अपने विदर्भ प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे, उसको रम्य बनाएंगे, सुरम्य बनाएंगे और उस प्रदेश को सुंदर बनाएंगे। उस दिशा में आप सबका प्रयास होगा और आप जीवन की हर पहलू पर, हर पहल पर आगे बढ़ते जाएं, आपको आगे सफलता मिलती जाए, ये मेरी शुभकामना है। मैं अंत में आदरणीय मुझसे साहब का भी आभारी हूँ और विशेष करके डॉक्टर आरसी अग्रवाल, उन्होंने इस विद्यापीठ में आकर के उनका सुंदर उद्बोधन दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ही स्विच्ड ओवर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि
अग्रवाल साहब चिंता मत करें, महाराष्ट्र में सब हिंदी जानते हैं और आपकी हिंदी सब समझ रहे थे एंड वो ज्यादा हिंदी को और ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं और उसको ज्यादा समझते, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पसायदानाने 35व्या दीक्षांत समारंभाची सांगता होईल। आता विश्वात्मके देवे येणे वाक्यज्ञे तोषावे तोषो विद्यापीठाचे कुलसचिव सन्माननीय कुलपती महोदयांना दीक्षांत समारंभाचा समारोप करण्याची विनंती करतील। सन्माननीय कुलपती महोदय, दीक्षांत समारंभ समाप्त झाल्याचे घोषित करावे ही विनंती। दीक्षांत समारंभ समाप्त झाल्याचे मी घोषित करतो। सर्व सभाजन
राष्ट्रगीताकरता उभे राहतील. सर्व उपस्थितांना विनंती करण्यात येते की दीक्षांत मिरवणूक सभा मंडपाबाहेर जाईपर्यंत आपल्या जागेवर उभे राहावे. विज्ञान देवो